हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ बथुआ के गरम गरम पराठे। तो आज मैं इसी की रेसिपी शेयर करूँगी। और ठंडियों के मौसम में पराठे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है, तो इसलिए आज मैं शेयर करूँगी बथुआ के पराठे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बथुआ ले लिया है, और अब मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी, यानी कि बीच लूँगी। इसमें जो भी घास वगैरह होती है वो निकाल के इसे अच्छे से बीचना है। और यहाँ देखिए, मैंने बथुए को अच्छे से बीच लिया है, इसे काट भी लिया है बारीक, और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसे मैंने 2 से 3 पानी में अच्छे से धोया है। तो अब मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 का कटोरी आटा लिया है, और आटा में मैं बहुत कुछ चीज़ें मिलाऊँगी, जैसे कि बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को कूट लिया है अच्छे से, तो वो डालूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पराठे में। और यहाँ पे मैंने आधी चम्मच अजवाइन ली है, और यहाँ पे मैंने लिया है आधी चम्मच हींग, या आधी चम्मच से भी बहुत कम है, और यहाँ मैंने लिया है आधी चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, इन सब से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पराठे में, और अजवाइन तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। और यहाँ मैंने ली है आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो इन्हीं सबको हम अच्छे से मिक्स करके पराठे बनाएंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी वॉश किया हुआ, यानी धोया हुआ बथुआ। तो मैंने बथुआ को अच्छे से धो लिया था, तो अब मैं इसमें बथुआ मिला दूंगी। तो ये देखिए, मैंने सारे बथुए इसमें डाल दिए हैं, और मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि बथुआ जो है वो पानी अभी छोड़ेगा। तो उसी पानी से हम आधा आटा मैं सान लूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है, जब आटा अच्छे से मिक्स हो जाए बथुए में और पानी सोख ले, तब इसमें हम पानी डालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से आधा आटा जो है हमारा पानी से हो चुका है, मतलब गुथा चुका है। अब इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसे गूथ लेना है, और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि ये गीला ना हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छे से आटा मैंने गूथ लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। और इसे बस 5 से 10 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए आटा। सेट होने के बाद बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। तो यहाँ पे आटा अच्छे से सेट हो चुका था 5 से 10 मिनट के बाद, और यहाँ मैं लोई बना के इसको अच्छे से बेल रही हूँ। तो पराठे को हल्के हाथ से बेलते हैं गोल गोल, अगर आपसे गोल नहीं होता तो आप किसी कटोरी से भी इसे काट सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से बेल के तवे पे रख दिया है। तवा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तभी आपका पराठा अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद अच्छे से ये एक साइड से पक चुका है, हल्के हल्के इसमें ये जो पराठे फूल चुके हैं। अब इसे मैं पलट दूंगी। तो आधा ये पक चुका है एक साइड से, तो एक साइड से मैं इसमें तेल लगा दूंगी। आप चाहे तो इसे मक्खन में भी या घी पे भी बना सकते हो। तो एक साइड मैंने तेल लगा दिया है इसमें, तो एक साइड से बन चुकी है, और अब मैं इसे पलट दूंगी। तो मैं इसमें दूसरी साइड से भी तेल लगा दूंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही तेल लगाया है। और गैस का जो फ्लेम है वो हाई रखना है, ताकि पराठे जो है नीचे से कच्चे ना रह जाए, और बहुत ही अच्छे बन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा पराठे हैं वो अच्छे से दोनों साइड से हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है इसका। तो अब मैं पराठे को निकाल लूँगी, ये बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं। तो बस अभी से मैं प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो ये देखिए, पराठे कितने अच्छे और टेस्टी लग रहे हैं गरम गरम, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो बस एक और मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ पराठे बनाते हुए। तो ये देखिए, मैंने इसको भी डाल दिया, एकदम बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। एक साइड से जब ये पक जाए तो इसमें हल्का हल्का तेल लगा दें, या बटर या मक्खन जो आपका मन करे वो ऐसे करके इसमें लगा देना है। और दूसरी साइड से भी ऐसे ही पलट के इसमें लगा देना है तेल। तो ये दूसरी साइड से भी पक चुका है अच्छे से, और मैंने यहाँ भी इसमें तेल लगा दिया है। तो मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। तो बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं मेरे पराठे। तो देखिए, कलर इसका भी बहुत ही अच्छा आया है, और सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगते हैं गरम गरम पराठे, और चटनी या अचार जो आपका मन करे। तो बस अब क्या है, एक के बाद एक पराठे सर्व निकालते जाइए और खाते जाइए गरम गरम। तो ये देखिए, मेरे पराठे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं।
तो फ्रेंड्स, ठंडियों में गर्मा गर्म पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बथुए के पराठे तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं खाने में। तो देखिए, गर्मा गर्म पराठे और धनिया पत्ता की चटनी रेडी है अपन। तो बस अपने घर में इसे गर्मा गर्म सर्व करिए और गर्मा गर्म खाइए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी पराठा बना है, आप खाएंगे तो बार बार इसको बनाएंगे, तो ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। तो आप लोगों को आज की ये बथुए की पराठे की रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो ढेर सारी लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।